नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी की लगभग जीत मानते हुए आज इस पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने खुशी जताई है। 11 में से 8 राउंड की गिनती दक्षता के आगे बने रहने के आधार पर उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया से कहा है कि हर हाल में एनडीए जीत रहा है। रामगढ़ ने इतिहास रचा है, राज्य की राजनीति को अलग दिशा दिखाने का काम किया है। जनता को सलाम करते कहा कि यह हेमंत सोरेन की हार है, झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार की हार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हुआ और एनडीए जो प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी रही और उनका इतने अंतराल में जो जीत हुई है, इसके लिए एनडीए के तमाम नेतृत्वकर्ता कार्यकर्ता को धन्यवाद है। धन्यवाद रामगढ़ के तमाम सम्मानित आम मतदाता को। और इस जीत से आगामी 2024 का संकेत है। चूँकि वर्ष 2019 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन को राज्य के जनता ने जनादेश दिया था, चूँकि उन्होंने राज्य के जनता को झूठा आश्वासन दे करके जनादेश ले करके जो 3 साल सरकार चलाई है, जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाया, और जिसका परिणाम आज राज्य के जनता रामगढ़ से शुरू किया है। हम सभी को एनडीए के सभी समर्थक कार्यकर्ता नेता रामगढ़ के जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।